पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर, पाकिस्तान के जितने गोल्ड मेडल हैं वो इनके पास हैं, ठीक है। और अगर कोई बंदा इनसे नहीं ना सीख सकता तो फिर किसी से भी नहीं सीख, उसकी बातें सीख लो थोड़ी सी, पाकिस्तान को जिताना कैसे और आगे प्लेयर कैसे। बस सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ही बात कही ना, जितना जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल देगा, तो आप पे है ये सारी चीज। दूसरी चीजें ये है कि टेक्निकली है कि जब तक आप बॉल नहीं रोकेंगे तो किसी को पास कैसे देंगे। पहले तो बॉल रोकना सीखे आदमी, और जो फुकदान है पाकिस्तान हॉकी के अंदर सबसे बड़ा यही है कि बॉल रोकते नहीं, जो बेसिक है। और दूसरा किसी को बॉल देना, वो एक्यूरेट देते नहीं। दो चीजें ये मेन है हॉकी के अंदर, कि इस चीज पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये समझ लें कि आप पाकिस्तान की हॉकी जो है ना, जो इतना नीचे चली गई वो आप ही लोगों की वजह से ऊपर जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करनी है। क्योंकि भाग दौड़ जो है, आपका प्राइम मिनिस्टर भी यही कहता है कि जवान लोगों पे मैं यकीन रखता हूँ, तो आप लोग अगर मेहनत करोगे, आप लोग अगर थोड़ी सी हॉकी अच्छी खेलोगे तो ये 17वें नंबर से आप जंप लगा के 10वें पे पहुंच जाओगे, और जब 10वें पे पहुंचोगे तो खुद ब खुद आगे निकल जाओगे। तो क्योंकि आप लोगों पर डिपेंड करती है हॉकी, अगर आप लोगों ने कोशिश नहीं की तो फिर इसके बाद हॉकी नहीं उठ सकती। तो लिहाजा जो कोचेज आपके बताएं उस पर अमल करें, उस पर पूरी कोशिश करें, ना समझ में आए तो उनसे दोबारा पूछें। यानी कि एक मरतब पूछ लिया नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जब नहीं हो रहा तो दोबारा पूछें कि कैसे, हम पूछते तो नहीं हो रहा। तो आप जब तक इन चीज़ों पर दिलचस्पी नहीं लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक प्लेयर नहीं बन सकते। बॉल को रोकना और रोक के सही चीज को डिलीवर करना, ये जीत है हॉकी में। कितनी मुझे हॉकी आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। जब आप ये काम करने लगोगे तो खुद ब खुद दूसरे का शरारतें खुद ब खुद करने लगोगे, समझे। बाजियों के साथ भी करना जी, पहले तो ये बताओ बॉडी कंडीशन क्या है? बेहतरीन है। अरे ये देख के नहीं अपनी बताओ, हाँ अनु हंस के बता दो। फाइव टच उन तीनों को चाहिए, इनको फाइव टच होने नहीं देने। प्रेशर होगा तो नहीं होंगे, आपके पांच टच उस वक्त होंगे जब आप गेंद देके अपनी जगह छोड़ोगे और सेकंड टच पे बॉल दोगे तो टच होने शुरू हो जाएंगे। हेल्प करो अपने बंदे की, जिसके पास है उसको सामने आओ, उसके बॉल दो, दूसरे को दो, तो फिर चलेगा। अगर उस टीम ने, तीन बंदों की टीम ने अगर गेंद छीन लिया, वो जो एक साथी उधर खड़ा वो उसको पास देना। इन जो तीन बंदे